शोषण के विरुद्ध अधिकार से क्या समझते हैं? शोषण के विरुद्ध अधिकार से आप क्या समझते हैं? क्वेश्चन है, शोषण के विरुद्ध अधिकार से आप क्या समझते हैं? चलिए इस क्वेश्चन के आंसर देखते हैं, जो आपको स्क्रीन पर भी दिखाई दे रहा है। संविधान के अनुच्छेद 23 और 24 के अनुसार नागरिकों को शोषण के विरुद्ध अधिकार दिया गया है। किस अनुच्छेद में? संविधान के अनुच्छेद 23 और 24 के अनुसार नागरिकों को शोषण के विरुद्ध अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 23 के अनुसार मनुष्य को खरीदना बेचना तथा बेगार पर रोक लगा दी गई है। अनुच्छेद 23 के अंतर्गत मनुष्यों को खरीदना बेचना तथा बेगार पर रोक लगा दी गई है। अनुच्छेद 24 के अनुसार 14 वर्ष अथवा उससे कम आयु वाले बच्चे को किसी कारखाने अथवा खान में नौकरी पर नहीं लगाया जा सकता है। ये शोषण के विरुद्ध है। इस तरह से यदि कोई कंपनी काम लगाता है तो कानून के विरुद्ध है। फिर से एक बार देखते हैं, संविधान के अनुच्छेद 23 और 24 के अनुसार नागरिकों को शोषण के विरुद्ध अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 23 के अनुसार मनुष्य को खरीदना बेचना तथा बेगार पर रोक लगा दी गई है। अनुच्छेद 24 के अनुसार 14 वर्ष अथवा उससे कम आयु वाले बच्चे को किसी कारखाने अथवा खान में नौकरी पर नहीं लगाया जा सकता है। यही है शोषण के विरुद्ध अधिकार। इस प्रश्न को आप अच्छी तरह से समझ लीजिए, कभी ना कभी कोई एग्जाम में पूछा जरूर जा सकता है। धन्यवाद।